आज स्पीकर केपी ने खुद को कासम सूरी बना लिया है। वजीर आला गंडापुर और केपी के स्पीकर दोनों पर इंतखाबात रोकने पर कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई आर्टिकल 6 की भी हो सकती है। अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा। बहरहाल सवाल तो आसिम मुनीर से पूछा जाना चाहिए। इमरान खान ने तो जो कहना था कह दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बानिका रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल साहब। आज के दिन में काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज के शो में, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मुजम्मिल साहब बात करेंगे आज के सेनेट इंतखाबात को लेकर, तमाम नशिस्तों पर जो इंतखाबात के नतीजे हैं ना वो सामने आ गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नंबर्स गेम को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, पीटीआई को पंजाब में शिकस्त हुई है, सिंध में पीटीआई ने बाइकाट किया हुआ था, वहाँ पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है, पंजाब में नून लीग ने मैदान मारा है, इस्लामाबाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है, बलूचिस्तान में अनअपोज हो गए हुए थे। तो ओवरऑल तो हुक्मरान इत्तेहाद हर जगह जीता है। अब सूरत हाल रह गई केपी की। केपी में आज इंतखाबात नहीं हुए। अब केपी में इंतखाबात अदालती हुक्म भी था, उसकी भी खिलाफवर्जी हुई है और मैं समझता हूँ आईन की भी खिलाफवर्जी हुई है। इंतखाबात को रोकना आईन की भी खिलाफवर्जी है। आज स्पीकर केपी ने खुद को कासम सूरी बना लिया है और मुझे लगता है उनका अंजाम कासम सूरी से भी बुरा होगा। वजीर आला गंडापुर और केपी के स्पीकर दोनों पर इंतखाबात रोकने पर कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई आर्टिकल 6 की भी हो सकती है, तौहीन अदालत की भी हो सकती है और मल्टीपल जराइम भी हो सकती है, क्योंकि बहरहाल किसी को भी इंतखाबात रोकने का इख्तियार नहीं हो सकता। अभी इससे पहले तहरीक इंसाफ पंजाब और केपी के इंतखाबात रोकने पर पीडीएम पर आर्टिकल 6 लगवाना चाहती थी, आज सेनेट इंतखाबात रोकने पर उसके ऊपर से आर्टिकल 6 लगने की नौबत आ गई है। पीडीएम पर तो नहीं लग सका क्योंकि उमरता बंदयाल साहब तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सके और ना पीटीआई की हुकूमत आई, लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा हुकूमत केपी के इंतखाबात रोकने पर केपी के वजीर आला और स्पीकर के खिलाफ सख्त आईनी कार्रवाई करेगी और ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं, पॉइंट ऐड करना चाहूंगी के जो केपी के सीएम है ना, उन्होंने कहा है कि हम एहतजाज करेंगे कि इंतखाबात क्यों मुल्तवी हुए, और जैसा कि हमारे चेयरमैन कहते हैं, बानी पीटीआई कहते हैं कि अपना हक छीन के वापस लो, तो हम अपना हक वापस लेंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ दूसरा बयान या फिर एक तरफ ये मामला, तो ये मामला तो संगीनी अख्तियार करता जा रहा है। देखिए, मखसूस नशिस्तों का केस पीटीआई अपने पसंदीदा हाईकोर्ट पिशावर हाईकोर्ट लेके गई और पिशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला किया कि मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई का हक नहीं है। पिशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई के हिस्से में नहीं और सुन्नी तात काउंसिल को नहीं मिल सकती। उसके बाद पिशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि केपी असेंबली में सेनेट के इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों पर जो उम्मीदवार आए हैं जीत मुंतखब होकर उनका हलफ लिया जाए, उसके बगैर सेनेट का। अब अगर पीटीआई पिशावर हाई कोर्ट का हुक्म भी नहीं मानती तो फिर हमाद अजहर की जमानतें भी ना माने, फिर जो पिशावर हाई कोर्ट से बाकी रिलीफ ले रहे हैं वो भी ना माने। ये तो नहीं हो सकता कि पिशावर हाई कोर्ट से जो रिलीफ आपके हक में है वो आप मान रहे हैं और जो आपके हक में नहीं है वो आप उसके खिलाफ मुजामत शुरू कर दें। सोचने की बात तो पिशावर हाई कोर्ट के लिए है कि आज उनकी तौहीन अदालत हुई है, वो जो इतने खुले बिछे बिछे हुए हैं तहरीक इंसाफ के आगे, 12 सेकंड के फी जमानत के हिसाब से 10 मिनट में 51 जमानतें देते हैं, उनको आज देखना चाहिए कि वो जिनको जमानतें दे रहे हैं वो उनका हुक्म मानने के लिए तैयार भी हैं या नहीं है, कि उनका जो है तौहीन भी कर रहे हैं और उनसे रिलीफ भी ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में फंस जाएगी पीटीआई इसके ऊपर, क्योंकि लंबा अरसा सेनेट के इंतखाबात इल्तवा का शिकार तो नहीं हो सकते। बहरहाल इसका कानूनी और आईनी हल निकलेगा और वो हल पीटीआई के खिलाफ ही निकलेगा। सर, दूसरे अहम टॉपिक की तरफ आएंगे। आज बानी पीटीआई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो खत लिखा गया है अदलिया की जानिब से, तमाम 6 जजेस की जानिब से, उनकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने हिम्मत की है। और फिर उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि ख्वाहिश थी कि फुल कोर्ट बन जाता,
लेकिन लार्जर बेंच जो बना है 7 रुकनी बेंच, ये इंक्वायरी कमीशन से बेहतर है। और एक और भी बात उनकी जानिब से की गई कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, अगर उनको कुछ भी हुआ तो जो इस चीज की जिम्मेदारी है वो एस्टेब्लिशमेंट पर जाएगी। तो इन तमाम मामलात को आप कैसे देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे, अंदर की बात क्या है? आप करती हैं गोलमोल सवाल, तो हमारे तो प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट ही गोलमोल बात करने का नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो आसिम मनीर जिम्मेदार होगा, एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं कहा। आप पता नहीं एस्टैब्लिशमेंट कहाँ से ले आई बीच में से। उन्होंने तो आसिम मनीर का नाम लिया है और कहा है कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मनीर होगा। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट ने बुशरा बीबी को बनी गाला में 5 स्टार सहूलियात दे के रखा हुआ है, वहाँ शहद दिया जा रहा है, अब तो खिड़कियां भी खोली जाती हैं, उनको तमाम राहत हासिल है। दूसरी तो इमरान खान को एक बिल्कुल 7 कमरों के बड़े प्रेसिडेंशियल सुइट में अडयाला जेल में रखा हुआ है और वहां भी 5 स्टार सहूलियात है। तो सवाल तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट से और आसिम मनीर से पूछना है कि एक तरफ तो आपने इनको लाडलों को इतनी मराहत दे के और इतने वीआईपी सहूलत में रखा हुआ है और दूसरी तरफ ये लाडले कह रहे हैं कि आप उनके कत्ल के मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। ये आसिम मुनीर कैसा आदमी है कि एक तरफ तो मेरा मतलब है इनको 5 स्टार सहूलियात दे रहा है, दूसरी तरफ कत्ल की मनसूबाबंदी भी कर रहा है। तो मेरा ख्याल है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेक करने वाली बात है। एक तरफ तो आसिम मुनीर से सारी मराहत ली हुई है, आसिम मुनीर से बात करने के लिए तरसते भी हैं, दूसरी तरफ मीडिया को ये तासुर देते हैं कि हमारी आसिम मुनीर से बड़ी लड़ाई है। ये तो अब आसिम मुनीर साहब को, डीजी आईएसआई नदीम अंजुम को और डीजीसी फैसल नसीर को देखना है कि गुज़िश्ता 3 समातों से वो मुसलसल फौज को ललकार रहे हैं और उसके साथ साथ रोज मराहत भी ले रहे हैं। ये क्या पॉलिसी है एस्टेब्लिशमेंट की कि वो एक तरफ उनको गालम गलूच की भी अपने खिलाफ इजाजत देती है और फिर उनको मराहत भी देती है, तो फिर लोग कहते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट का लाडला है, कुछ गलत तो नहीं कहते हैं। बहरहाल सवाल तो आसिम मुनीर से पूछा जाना चाहिए, इमरान खान ने तो जो कहना था कह दिया। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि फुल कोर्ट बेंच बनता तो वो ज्यादा खुश होते, उनकी ख्वाहिश ये थी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। फुल कोर्ट बन जाता तो उन्होंने कहना था ये फुल कोर्ट भी ठीक नहीं है, इसमें से काजी फायज ईसा को फला फला जजों को निकालें, वो तो उन पर तो हम पहले ही अदम एतमाद कर चुके हैं। आप कुछ भी कर लेते हैं उन्होंने राजी तो नहीं होना, आप जो मर्जी कर लें। देखिए तहरीक इंसाफ की एक ही कोशिश है कि इन 6 जजों के इस खत पर जितनी मुमकिन हो उतनी सियासत की जा सके। वो ये 6 जज उनके हीरो हैं और जब और ये 6 जज उनकी सियासत को बचा रहे हैं, उनकी सियासत की डूबती नैया को सहारा इन 6 जजों ने दिया है। तहरीक इंसाफ की जो सियासत डूबती हुई सियासत को सहारा इन 6 जजों ने दिया है, इसलिए ये तो इमरान खान के हीरो होंगे, वरना ना तहरीक चल रही है, ना असेंबली में कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ है। 8 फरवरी के बाद पूरी दुनिया ने इंतखाबात मान लिए हैं, बाइडेन ने खत लिख दिया है, आईएमएफ से मुआहदा हो गया है, हर कोशिश नाकाम हो गई है, अमेरिका के मुजाहरे भी नाकाम हो गए हैं, लॉबिंग फर्में नाकाम हो गई हैं, हर तरफ नाकामी नाकामी थी। इस नाकामी के अंदर से ये 6 जजों के खात ने तो एक उम्मीद की किरण है तहरीक इंसाफ के लिए, तो वो हीरो ना हो तो जीरो हो। इमरान खान तो मेरा मतलब है कि उल्टे पांव चल के इन जजों को सलाम करेंगे कि उनकी डूबती सियासत को तिनके का सहारा इन 6 जजों के खात ने सहारा दे दिया। सर आगे बढ़ेंगे, जैसा कि खतो खताबत का सिलसिला शुरू हो चुका है तो दूसरे खत की बात करेंगे जो आज ही मंजर आम पर आया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को मुश्तबा खतूत मौसूल हुए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इसको धमकी करार दिया है, तो अंदर की बात क्या है? देखिए आईएसआई तो पहले ही कटहरे में खड़ी है इस खत के बाद और सारे सब आईएसआई के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और आईएसआई तो पहले ही कटहरे में खड़ी है और उसके साथ अदालत में क्या होना है। आप सोच सकते हैं कि जो आईएसआई इस वक्त कटहरे में खड़ी है वो इन 6 जजों को ये एंथ्राक्स वाले खत भेजेगी, और ये एंथ्राक्स वाले खत भेजने का ना स्टाइल हो गया पुराना। ये तो मेरा मतलब है कि जब इराक वॉर थी सदाम हुसैन वाली, उस वक्त अमेरिका में ये सिलसिला चला था। अब तो सबको पता है कोई कोई जज खत खुद खोलता ही नहीं है, कोई जज अपना खत खुद खोलता है, ये व्हाट्सएप और ईमेल का जमाना है, खत का जमाना ही नहीं है। कौन खत देखता है और कौन खत तो पीएचओ भी नहीं देखते बेचारा, कोई अलमत कोई रीडर कोई डिस्पैचर खोलता होगा।
मतलब अगर किसी ने खाते भेजने थे तो उसका ये ख्याल था कि ये जज, ये खाते जो है 8 जज खुद खोलेंगे और एंथ्राक्स का शिकार हो जाएंगे। ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। कोई कोई अपना वीआईपी अपना खाते खुद नहीं खोलता। खाते जो दफ्तर में खाते आते हैं वो प्राइवेट या पर्सनल तो होते ही नहीं भाई। अब तो प्राइवेट पर्सनल को खाते होता ही नहीं है। लोग व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं, वीचैट करते हैं। तो अब तो कम्युनिकेशन के जराए बदल गए हैं। ये खात तो कोई आप कम्युनिकेशन का जरिया रहा ही नहीं है। खात में तो कोई पिटिशन होती है, कोई दरखास्त होती है, कोई दादरसी के लिए जज को खात लिखता है, कोई कहता है मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, खात को लिख देता है। तो मेरे ख्याल में ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये सर, जो एक और बात छे यहाँ पर इस रिलेटेड आपसे पूछना चाहूंगी कि खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट्स क्या हैं? क्या ये बात भी कोई मंजरे आम पर आई है? ठीक है, वो थ्रेट का निशान बना हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह 6 जजों का खत एक सियासी स्टंट है, ऐसे ही ये जो एंथ्राक्स वाला खत है ना, ये भी एक सियासी स्टंट है। ये इस खत को जिंदा रखने के लिए, इसमें सनसनी पैदा करने के लिए, जजों से हमदर्दी पैदा करने के लिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है। मैं नहीं समझता ऐसा ही आज अगर कोई इन 6 या 8 जजों के खिलाफ कोई ऑपरेशन करना चाहे तो वो एंथ्रॉक्स वाले लेटर भेजेगी इनको। भाई दुनिया बदल गई है, अब एंथ्रॉक्स का जमाना नहीं रहा है। ये तो सदाम हुसैन की जंग वाला जमाना था। इसलिए ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, सिर्फ जजों के खात को जिंदा रखने के लिए। और मैं समझता हूँ ये एंथ्राक्स वाले खात उन्होंने ही भेजे हैं जिन्होंने जजों से खात लिखाया है। इसके पीछे वही स्क्रिप्ट है, वही इसको जिंदा रखने के लिए बात कर रहे हैं। सर आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे केपी का एक बार फिर से। सेनेट इंतखाबात के अलावा केपी से एक बहुत अहम खबर सामने आई है, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात करेंगे। 5 जमातों का आज पहला इजलास हुआ है, मुशावरती इजलास से मुतल्लिक क्या डिटेल्स है? देखें, महमूद खान, अचकजई, मैंगल, ये जो जमातें हैं ना, इन ये 0+0 हैं। अचकजई साहब को आपने सदर का उम्मीदवार बनाया, उनको बलूचिस्तान से 1 वोट नहीं मिला। मैंगल साहब की पोजीशन भी सबके सामने है। अगर तो आपने तहरीक को बलूचिस्तान में चलानी है या आपने केपी में चलानी है तो बड़ी बात है। इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब मौजूद नहीं है। मौलाना के बगैर इस ऑपोजिशन के तहत अलायंस का रंग नहीं बनेगा। बाकी जमातों की कोई अवामी हैसियत नहीं है कि वो तहरीक चला सकें। असल मसला तो ये है कि तहरीक का पहला जो जुलूस था, जो पीटीआई ने पिशावर में निकाला, वो इतना बुरा हुआ कि उसके बाद अब ये अलायंस की तरफ चले गए हैं, क्योंकि उसमें तो खुद स्टेज पे लड़ते रहे। और आज इमरान खान ने अपने वो बंदे भी बदल दिए हैं, शेर अफजल मरवत और उमर नियाजी को निकाल दिया उसमें से। तो जब तक पीटीआई के अपने अंदर जूतियों में दाल बट रही है, आप किसी तहरीक के बारे में कैसे सोच सकते हैं? ये ग्रैंड अलायंस 0+0+0 है। इसमें जब तक मौलाना नहीं आते, इसमें जब तक और बड़ी जमातें नहीं शामिल होंगी, तब तक इस अलायंस की कोई हैसियत नहीं। बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे। बुशरा बीवी का कहना है कि उनके खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया है, जबकि बानी पीटीआई ने भी कहा है कि ये जहर देने की एक दोबारा कोशिश की गई है, और मैं तहकीकात का मुतालबा करता हूँ, बुशरा बीवी को रिहाई दी जाए। आप देखे ना जी, उन्होंने कहा है कि उनके खाने में हाइपर नहीं, वो नहीं होता वो टॉयलेट वाला, वो हाइपर जिससे वो टॉयलेट साफ करते हैं, उसके 3 कतरे मिलाए गए हैं। पहले उन्होंने कहा कि मेरे शहद में जहर मिलाया गया है। तो सबने सवाल किया कि बुशरा बीबी को शहद दिया ही क्यों जा रहा है, कितने कैदियों के पास शहद की सहूलत मौजूद है? और अब वो ये कह रहे हैं सिर्फ सियासी स्टंट है। ये इमरान खान साहब का पुराना स्टंट है। आप देखें, पहले वो कहते थे जिसको भी हुआ, वो कहते थे जिनसी तशद्दुद किया गया है। अब वो बुशरा बीबी के बारे में ये तो नहीं कह सकते कि उन पर जिनसी तशद्दुद किया गया है। वो ये कहना शुरू हो गए कि उन्हें मारने की कोशिश की गई है। और मुतालबा क्या है जी, इनका मुआयना जो है वो शौकत खानम के डॉक्टरों से कराया जाए, ताकि मर्जी की रिपोर्ट ले ली जाए। आप कहेंगे जो आज जज ने उन्हें कहा है ना, आप दरखास्त दें, दरखास्त पर मेडिकल बोर्ड बन जाएगा और पता लग जाएगा। दरखास्त नहीं दी कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि शौकत खानम से मर्जी की रिपोर्ट ले लें, ताकि गोली ना भी लिखी हो, लगी हो तो शौकत खानम का डॉक्टर लिख दे ताकि गोली लगी भी। सर आगे बढ़ेंगे, और जैसे कि जमानतों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो बानी पीटीआई को तोड़फोड़ के केस में बरी कर दिया गया है। उनके साथ साथ असद उमर और राजा खुरम नवाज को भी बरी किया गया है, जबकि फैसले में ये कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से कोई खातिर खास सबूत पेश नहीं किए, बल्कि ये अगर हम कहें कि उनकी जानिब से कोई सबूत पेश नहीं किए गए तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे, जमानतें देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, कब तक जारी रहेगा? ये तो जमानत ना हुई, ये तो केस से वो डिस्चार्ज ही हो गए।
लेकिन मैं समझता हूं कि अभी बड़े केसेस 9 मई वाले बाकी हैं, ये तो तोड़फोड़ का केस था, और बाकी केसेस में अभी उनके चालान मौजूद हैं, उनमें सजाएं उनको हो सकती हैं, ये गैर ये को मामूली केसेस थे, इनको इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है। तो नाजरीन, ये थी आज के अंदर की बातें। मुजम्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।